ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। 24 फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण करते हुए बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया था। युद्ध अभी भी जारी है और इसका कोई स्पष्ट अंत दिखाई नहीं दे रहा है। युद्ध के कारण यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। इस युद्ध का ग्लोबल लेवल पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा है। इससे खाद्य और ऊर्जा की कीमतें बढ़ी हैं। दुनिया भर में आर्थिक मंदी का खतरा पैदा हो गया है। यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना का कड़ा प्रतिरोध किया है और कई मोर्चों पर रूस को पीछे ढकेलने में भी कामयाब रही है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से हथियार और आर्थिक सहायता मिल रही है। अब अमेरिका ने रूस की मदद करने के आरोप में दुनिया भर की 400 कंपनियों और लोगों पर प्रतिबंध लगाया है। इसमें भारत की 19 कंपनियां और 2 नागरिक भी शामिल हैं। इन कंपनियों पर यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद करने का आरोप है। जी हाँ, सही सुना आपने, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ने बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका का आरोप है कि ये भारतीय कंपनियां यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रही थीं। इन्होंने रूस को हथियारों और सैन्य उपकरणों की सप्लाई की थी। अमेरिका ने भारत के अलावा चीन, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की और यूएई की कई कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली की कंपनी एसेंट एविएशन के डायरेक्टर विवेक कुमार मिश्रा और सुधीर कुमार पर भी पाबंदी लगाई गई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने एसेंट एविएशन, मास्क ट्रांस, टीएसडीएम ग्लोबल और फ्यूट्रेवो जैसी भारतीय कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमेरिका के विदेश विभाग ने 4 भारतीय कंपनियों पर लगाए गए आरोपों की डिटेल जानकारी भी दी है। अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि एसेंट एविएशन ने मार्च 2023 से मार्च 2024 के बीच रूस को 700 से ज्यादा शिपमेंट भेजे थे। इसमें $2,00,000 से ज्यादा मूल्य के हाईटेक सामान शामिल थे। इसी तरह मास्क ट्रांस पर आरोप है कि कंपनी ने जून 2023 से अप्रैल 2024 के बीच रूस को $3,00,000 से ज्यादा मूल्य के सैन्य उपकरण सप्लाई किए थे। टीएसडीएम ग्लोबल को रूस को $4,30,000 मूल डॉलर के और फ्यूट्रेवो पर रूस को $1.4 मिलियन मूल्य के हाईटेक सामान सप्लाई करने का आरोप लगाया गया है। ये आरोप बेहद गंभीर हैं। अगर ये सच साबित होते हैं तो इसका मतलब है कि भारत की कुछ कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रही थी और एक युद्धरत देश को हथियार सप्लाई कर रही थी। इस घटनाक्रम से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर गहरा असर पड़ सकता है। ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में SI2 माइक्रो सिस्टम्स पर भी बैन लगाया गया था। कंपनी पर रूसी मिलिट्री को अमेरिकी ओरिजिन वाले इंटीग्रेटेड सर्किट की सप्लाई करने का आरोप लगाया गया था। सवाल उठता है कि आखिर क्यों भारतीय कंपनियां ऐसे जोखिम उठा रही हैं? क्या उन्हें पैसों के लालच में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ताक पर रख देना चाहिए? क्या भारत की सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई करेगी? इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अमेरिका ने भारत पर गलत आरोप लगाए हैं या फिर भारतीय कंपनियों ने वास्तव में गलत काम किया है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और बने रहें बिस्तक के साथ। आप बिस्तक को फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र ₹159 महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।